हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेस का क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल नंबर हो यानी कि 7 के मल्टीपल में, तो 7 1 7 वो 1 डिजिट है, तो 7 2 14 ए इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस यानी कि 7 से डिविजिबल यानी कि डिफरेंस भी कितना होगा, 7 होगा। और ए एन तो आपको लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है, 99 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 7 7 से डिवाइड करते यहाँ पे 2 मिलेगा, ऊपर से 9 आएगा, 7 4 28 होता है, 28 माइनस 29 में से 28 सब्ट्रैक करो तो 1 मिलेगा, 1 रिमाइंडर है उसको, तो आपको 2 डिजिट बिगर नंबर है 99 में से सब्ट्रैक करोगे तो क्या मिलेगा, ए एन इज इक्वल टू कितना है, 98 है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एन हमें एन कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, बट हमें इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, तो उसमें डायरेक्ट आप 13 लिख दोगे तो भी सही होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना है, 98 है, ए कितना है, 14 है, प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस कितना है, 7, तो ए 14 है, आप ऐसे कर सकते हो, 14 को इस साइड जाने पर 98 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में एन माइनस 1। तो अब 98 माइनस 14 करोगे तो कितना मिलेगा, 84 मिलेगा, 84, और 7 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवीजन में इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 12 7 जाए कितना होता है, 84 होता है, तो यहाँ पे क्या 12 बचेगा, 12 माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 होगा, ओके, तो प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू में क्या मिलेगा, 13 आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।